आगे बढ़े, आपको बताएं कि शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के खिलाफ ऑल पंजाब शॉपिंग बैग एसोसिएशन का माल रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी भी मुकम्मल हुई। फैसलाबाद में भी दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। उधर शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के खिलाफ नून लीग के रुकन उस्वा आफ्ताब ने पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा करा दी है। शॉपिंग बैग पर पाबंदी के खिलाफ ऑल पंजाब शॉपिंग बैग एसोसिएशन का माल रोड पर इस वक्त एहतजाज जारी है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहरे। शॉपिंग बैग्स बनाने वाले कारखानों के मालिक, मुलाजिम और दुकानदार सड़कों पर निकल आए। नून लीग भी फैक्ट्री मालिकान की हिमायत में मैदान में आ गई। खातून एमपीए ने सूबाई असेंबली में करारदाद जमा करा दी। लाहौर में माल रोड पर ऑल पंजाब शॉपिंग बैग्स एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहरा। फैक्ट्री कारखाना मालिकान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद में भी ताजिरों का एहतजाज। घंटा घर के अतराफ और चिन्योट बाजार में प्लास्टिक बैग्स की दुकानें बंद। मार्केट्स में एहतजाजी बैनर आवेजा कर दिए गए। नून लीगी खातून रुकन उस्वा आफ्ताब की तरफ से पंजाब असेंबली में जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि सूबे में शॉपिंग बैग्स बनाने वाली 5000 फैक्ट्रियाँ हैं। 10 लाख से ज्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद करने से कबल मुतबादल रोजगार का इंतजाम किया जाए।